हेलो फ्रेंड्स, सेवन स्क्राप चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बोट जो कि हम प्लास्टिक बोतल से बनाएंगे और ये फटाफट बन जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसे आराम से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बोट बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, बोट बनाने के लिए हमें दो बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके की बोतल की। आप यहाँ पर कोई सा भी सेब का बोतल ले सकते हो, सेब से कोई मतलब नहीं है। तो इसे दोनों को आपस में चिपका देना फ्रेंड्स, डबल साइडेड टेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। हमें चाहिए एक मोटर, एक बैटरी कनेक्टर, एक स्विच और एक फ़ैन। ये छोटी वाली फ़ैन है, ये 5 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो क्या करना है, एक मोटर की वायर और एक कनेक्टर की वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है और जो दूसरी वायर जो बच गई है इसमें हम स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप यहाँ पे हाथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्विच में आपने देखा होगा छोटे छोटे होल रहते हैं, तो उसमें फंसा कर आप तार को ऐड सकते हो। तो ये मैंने ब्लैंक रिफिल लिया फ्रेंड्स, रिफिल का टुकड़ा है ये ब्लैंक, और ये साइकिल का स्पोक का टुकड़ा है। तो इसमें हम फिट कर देते हैं कुछ इस तरीके का, ये हो चुका है, और इसे हम अपने पंखे में फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये हो चुका है, देखिए कुछ इस तरीके का फिट हो जाएगा। और ये जो दूसरे सिरा है इसे हम मोटर की शाफ्ट में लगा देंगे। तो ये देखिए, ये भी हो चुका है और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो आप यहाँ पे डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हो या फिर हॉट ग्लू है तो बहुत अच्छा, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो हॉट ग्लू। तो यहाँ पे आपको चिपका देना है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे सीधा नहीं चिपकाना है, यहाँ तिरछा टाइप के चिपकाना है, नीचे के साइड ये रहना चाहिए पंखे, तभी पानी को पीछे की तरफ ढकेलेगा और बोट हमारा वर्क करेगा। तो आगे के साइड में हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और हम स्विच को बीच में लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का। और ये बोट बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ काम हमें और भी करने हैं। तो ये जो पंखे है फ्रेंड्स, इसे हमें हीट करना है गैस पे और इसे कुछ इस तरीके से मोड़ना है, क्योंकि जब तक आप मोड़ोगे नहीं तब तक आपका बोट काम नहीं करेगा, वो गोला गोला घूमते रह जाएगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने हीट करके मोड़ दिया फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है और बोट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पीछे के साइड में अभी एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बैटरी खाली है बिल्कुल। यहाँ पे मैं सिर्फ वेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे पीछे के साइड बैटरी लगा रहा हूँ। तो ये देखिए बैटरी लग चुका है और बोट का लुक हमें काफ़ी सही दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसे हम तालाब में जाकर चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तालाब में आ चुका हूँ, मेरे घर के सामने ही है, इसे चला के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोट हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा यार, कि अगर आप पंखी को थोड़ा थोड़ा साइड से अगर आप कैंची की मदद से काट दो तो ये और भी अच्छा का वर्क करता है। जितना आप छोटा पंखी यूज़ करोगे उतना स्पीड में आपका बोट आगे की तरफ जाएगा, उतना अच्छा से आपका काम करेगा बोट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आगे ऐसी भरी इंटरेस्टिंग भरी वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।